जज साहब छुट्टी पे थे तो आज हम फिर आए हैं और हमने अपनी वो एप्लीकेशन दे दी है और ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि 4 साल मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो पहले कामों में से उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशन्स को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे तो उसको नहीं देना। ये एक हकीकत है। नंबर दो, नई हुकूमत आई, उन्होंने मुझे पासपोर्ट इशू किया। मुझे 2-2.5 महीने पहले मुझे जब पासपोर्ट मिला उसके बाद मैंने प्लान किया और ये केस जो मेरा है वो फेक केस है। मेरा केस बेसिकली बुनियादी ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की, 1981 टू 2001। मैंने कभी ज़िंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न फाइल करने में डिले नहीं की, मोर देन 40 ईयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ हो सकती है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है और जो बदतरीन और जो एक नेक या सही इंसान है उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और हमारी वो मिसालें हैं। दूसरी, मैं ब्रीफली आपको ये कहूँगा कि यही केस जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के ज़रिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में, किधर है वो? क्योंकि यही केस वहाँ गया, मैंने वो रिटर्न सारी वहाँ प्रूफ भेज दिए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के मुँह पर तमाशा मारा और मुझे वापस भेजा कि आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है। ये भी लिखा कि जितने हमारे मेंबर्स हैं इंटरपोल के दुनिया में, हमने उनको लिखा है कि पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के कहने पे जो उनके इमिग्रेशन सिस्टम में मेरे ख़िलाफ़ जो डाला गया उसको डिलीट करें और कंप्लाइंस दें। एक और आपको चीज़ बता के फिर मैं इजाज़त लूँगा। आपको याद है कि एक चैनल ने, और मैं समझता हूँ मैं लकी था, उसने यही जो खराफात थी और झूठ था, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की, मैं ओवर 40 साल से ज़्यादा यानी 2017 में भी 34 साल से ज़्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 टू 2001, जिसमें मैं वज़ीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहाँ वो एयर कर दी ये सारी चीज़ें। मैं उनको हाई कोर्ट UK में लेके गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ उनका पड़ा हुआ है, मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया और मैंने वो वकीलों की फ़ीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आप को इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल ज़ाया किए जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दोचार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा अशर किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजल करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला और कोई पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में, आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था और उस वक्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पर चलता तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इटली और कैनेडा की मईशतें पीछे होनी थी, वो शायद 20-25-26 तक बन जाता। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। वरना मैं 3 दफ़ा पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे जब 4थी दफ़ा ऑफ़र किया गया कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालूँ,
तो मैं मेरे ऊपर को नए सुरखाब के पानी लग जाए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि चौथी दफ़ा मुझे ये अल्लाह ताला ने अपने आवाम की अपने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है। और मुस्लिम लीग नून की क़्यादत ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे ये ऑफ़र किया कि आप आएँ और आप इस जिम्मेदारी को संभालें। आप दुआ करें कि हम ये हमारी हम सब का मुल्क है, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम मुल्की मफाद के खिलाफ बिल्कुल काम ना करें। हम जो भी हो जितनी सियासत को दबा दें, इसको दफन कर दें जो घटिया सियासत है। लेकिन बदकिस्मती से एक पार्टी इस वक्त वो कल्ट बना लिया है, उसको उसके यानी नेगेटिव सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। तो और बड़े बड़े बोल बोलते तकबर, कल भी कहा कि ये तो नहीं रोक से मैं गिरा के दिखाऊँ। ओ भाई अल्लाह ने गिराए, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी गिरा दिया, अभी माफ़ी मांग लो अल्लाह से, आगे देखो कितनी जल्दी और तुमने गिरने हैं अभी। तो बहरहाल वो हम बात छोड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जी जो मकसद है आने का, वो पासपोर्ट मिला है तो मैं आ सकूँ, और वो BMLN की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जी कोई आप दुनिया में नहीं रोक सकते पासपोर्ट। माने का गांधी का इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि किसी का पासपोर्ट आप इससे बेसिक राइट टू ट्रेवल। तो ये सारा इलीगल काम होते रहे हैं, पहले फेक केस बनाया, फिर मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। वैसे कहते थे आए लेकिन पासपोर्ट नहीं देना, भाई मैं किसी आपके पासपोर्ट में आऊँ। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। और ये फॉर्मेलिटी जो थी, ये केस जैसे मैंने कहा फेक केस है, ये 10 मिनट का केस है, इसको हवा में उड़ जाना चाहिए था अब तक। बहरहाल इंशाल्लाह उसका भी हर चीज़ का अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। और डॉलर भी है, वो भी बड़ी ऊंची प्रवाह जा रहा है, समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा राइट करना। देखिए करीबन 4.25 साल की जो तबाही थी, जो मईशत का जनाजा निकाल दिया गया, और फिर जाते जाते क्या किया आपके सामने है कि इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सॉवरन मुआहदे हैं। और कभी किसी कितनी भी दुश्मनी हो आने वाली हुकूमत सॉवरन मुआहदों को हकूमती मुआहदों को डिसओन नहीं करती, उस पर अमल करती है। जाते जाते वो मुआहदों को एक तरफ किया, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसके खिलाफ काम किया, और आवाम को यानी ये बताया कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, और ख़ुद कहा प्राइवेटली कि मैंने लैंड माइंस बिछा दी हैं, मैंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो ये आपके सामने, हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इसको अपने जो कुछ लोग चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या जिससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंद कर दिया है, मैं उनको मशकूर हूँ, उन्होंने डायरेक्शन ठीक ले लिया है। मेरे आने सफ़र करने से शुरू ही उन्होंने 2 दिन में अच्छा पाकिस्तान में वो अच्छा एक काम किया है, अच्छा खासा पाकिस्तान के कर्ज़ों में उसकी वजह से कमी आई है। इंशाल्लाह हम एक हमारी प्रायोरिटी नंबर वन, दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जो ज़मानी दावे होते हैं मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की, आप 98-99 की आप देखें, 2017 में हमने कहाँ छोड़ा था इस मुल्क को, मियां नवाज शरीफ ने, मैंने, और 2018 में हमारे PMLN ने कहाँ छोड़ा, यानी लोएस्ट हमने इन्फ्लेशन 4% आपको दी, 2% फूड इन्फ्लेशन दी, उसके बाद आपको हाईएस्ट ग्रोथ दी 6.3%, आपको हाईएस्ट रिजर्व दिए, स्टेबल रुपया दिया 4 साल 104 रुपये 50 पैसे पे। भाई ये किसी और मुल्क में हो तो उस पार्टी को तो लोग यानी हवा में और सर पे उठा लेते हैं। अच्छा, बस ये पेट्रोल प्राइस ये तो जब बेटा अभी दिन तो 2-4 दिन तो दूंगा यार, दूसरा दिन अपोजिशन की तरफ से जो कि एक जमात का आप नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुआहदे की शक्ल में आपको इधर लाया गया है, अगर ऐसा है तो फिर आपका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानी है वो क्या ख़त्म हो गया? और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दिया जाए, तो ये पैगाम आपने सियासी जमातों को दिया है या किसी और को? मैं कहता हूँ, देखिए जहाँ तक आपका भाई पहला सवाल है ना, वो ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैकर को कैसे लाया गया था। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यानी करीबन 5 साल कीमती 5 साल ज़ाया हो चुके हैं, और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। भाई आप आज 54th इकॉनमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 18वीं मईशत बनते बनते, बजाय ये कि आप G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठते एज ए
प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको पाकिस्तान को, आज हम 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो चुके हैं 4.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते और कोई जो है इस पर किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो जो कह रहे हैं डील है उनको, क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने अम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? कोई क्या मुनाफ़त है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने जो दूसरा सवाल किया, जी ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें, ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारी कैबिनेट मीटिंग है जी। ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन, आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं नहीं भाई, मेरी बात सुने, देखिए ये एक टीम वर्क होता है। नंबर एक, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता, उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे के बुनियाद पे। वो मेरे साथ जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब जुबैर मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मजीद बिल्ड करेंगे। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बनने के बाद पहली मरतबा मीडिया टॉक कर रहे थे, इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की है। और आपको ये भी बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया था, उनके हमरा राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे।